Okay, so Shubham, let's start with your SNAP for strength of material, right? Yes, sir. Okay, good. आपने UTM का नाम सुना है? Universal Testing Machine. Yes, sir. क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं उसको? Sir, it is used to determine the stress strain curve for any material. Okay, इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? Sir, because it can be applied to all the materials. Are you sure or bluffing? Made a guess. Okay, so इसमें गॉज लेंथ क्या होती है स्पेसिमेन की? Sir, it is the original length when initially we start with the experiment. No, that is not a gauge length. अगर मैं स्पेसिमेन को it is a length of the length that is provided by this by our, like in UTM we apply force like this. So when we keep our testing specimen into that, that is referred to. अच्छा कौन सा loading apply करते हैं इसमें UTM में? Tensile. अगर मेरे को compressive strength पता करनी हो तो कौन सी loading लगाएंगे? Compressive. Sir, इसी मतलब we can make use of this only because indirectly तो compressive stress लग ही रहा है इसमें. कैसे indirectly कैसे लग रहा है? जैसे मतलब हम यहाँ पे ऐसे इसको like in on one side length is increasing but on the other side it is decreasing in the lateral side. तो lateral side थोड़ी हम लेते हैं, one dimensional tensile loading कर रहे हैं तो हम उसी direction की strength find out करते हैं ना. सिग्मा वाई थोड़ी आता है इसको. मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे? मोहर सर्कल सर UTM में जो स्पेसिमेन रखा है उसका मोर सर्कल ड्रॉ करो, कैसा आएगा? पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन सर वन. हां वेट अ मिनट सर, ऐसा सर. हां तो फिर इसमें तुमने सिग्मा 2 कितना बनाया? 0. सिग्मा y कितना बनाया? सिग्मा y 0. हां तो फिर तुम बोल रहे हो कंप्रेसिव कहां है इसमें, बताओ. Is there any compressive stress in your Mohr circle? No, sir, but I thought that if lateral strain is coming, so we can assume that lateral strain is not because of compressive stress. अगर मैं sigma x तुम्हें देता हूँ तो epsilon y तो आ जाएगा, lateral strain आ जाएगी, lateral stress थोड़ी आएगी. आ जाएगी lateral stress? No, sir. Lateral stress थोड़ी आती Poisson रेशियो से. Got the point? Yes, sir, got it. अच्छा अब मेरे को माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना के दिखाओ जरा. ओके सर. सर दिस इज अब शुभम इसी डायग्राम में कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी बनाओ. कंप्रेसिव स्ट्रेस स्टील का सर इसी में. हाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना के दिखाओ कैसा बनेगा. इसका मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस है. Can you tell me where is the compressive strength? Sir, this in this third quadrant. ये तो बहुत ही कम आ रही है वैल्यू, राइट? Yes, sir. तो कैन वी से कि माइल्ड स्टील का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम होती है? आपने देखा है डायग्राम कहीं है? वैसे ही ब्लफ मारा आपने? नहीं सर, ये देखा था सर कहीं. ये देखा आपने ऐसा डायग्राम? Are you sure? अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताओ, कंप्रेसिव और टेंसाइल के लिए सेम है या अलग है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूजुअली सर हम 2 × 10⁵ ही लेते हैं तो. नहीं नहीं, कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों में सेम है. ग्राफ के अकॉर्डिंगली तो नहीं होना चाहिए सर. ग्राफ के अकॉर्डिंगली नहीं है, अदरवाइज होता है कि नहीं? अदरवाइज भी नहीं होता सर. आपने थर्मल स्ट्रेसेस में देखा माइल्ड स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना यूज करते हैं? हाँ जी सर. थर्मल स्ट्रेसेस कौन सी होती है, कंप्रेसिव या टेंसाइल? दोनों हो सकती है सर. तो दोनों में ई की वैल्यू अलग अलग लेते हैं, सेम लेते हैं? सेम लेते हैं सर. तो तुम्हारे इसमें तो अलग आ रही है दोनों. स्ट्रेंथ भी अलग आ रही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग आ रहा है. ओके अच्छा मेरे को इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को अगर ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना हो तो इसी में टेंसाइल लोडिंग के लिए चेंज करके दिखाओ कैसा बनेगा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। सर वो ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा। कहाँ से जा रहा है ऊपर? ये तो तुम यार जीरो से इसको ऊपर ले गए, यहाँ जीरो से ऊपर क्यों जाएगा? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से स्टार्ट होता है ना, इलास्टिक रेंज के अंदर तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन इज सेम नो। ओके सर, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है? ओरिजिनल एरिया एंड इंस्टेंटेनियस एरिया अलग होता है ना। यस सर, लेकिन वो इलास्टिक रेंज में तो नहीं होता इतना डिफरेंस, प्लास्टिक रेंज में होगा ना नेक वो तो। हाँ जी सर, तो फिर आपने तो इसको नीचे से चेंज कर दिया ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अच्छा पॉइजन रेशियो की रेंज बताओ मेरे को शुभम। पॉइजन रेटिकल सर -1 to 0.5 सर। रबड़ की बताओ, रबड़ की 0.5। इसका मीनिंग क्या है रबड़ का 0.5 मैक्सिमम? इधर उसमें लेटरल स्ट्रेन बहुत ज्यादा आएगा, मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिक है। वो इलास्टिक है या बहुत ज्यादा प्लास्टिक है? प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। अच्छा आप इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना सकते हैं? हाँ जी सर, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक, इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक। यस गुड। और इलास्टिक प्लास्टिक का? इलास्टिक प्लास्टिक का सर वो भी सेम ही होना चाहिए सर। तो परफेक्टली प्लास्टिक और प्लास्टिक में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसमें डायरेक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में सुना है आपने? हाँ जी सर। डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी यूज करते हैं? डक्टाइल मटेरियल्स के लिए सर हम यूज करते हैं अपनी shear strain energy theory और strain energy theory सर। अच्छा अगर मैं ब्रिटल मटेरियल का शाफ्ट तुम्हें दे दूं और उस पर टॉर्क लगा दूं तो फेल कहां से करेगा? ब्रिटल मटेरियल का, ठीक है। तो सर वो मतलब ऐसे फेलर प्लेन कहां पे होगा? ऐसा सर मतलब ऐसे टूटेगा। अच्छा अब टॉर्क मत लगाओ, अब उसके ऊपर एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लोडिंग लगा दो, सिग्मा एक्स लगा लो, अब कैसे टूटेगा? तो सर कप कोन फेलर हो जाएगा सर। कप एंड कोन होगा 45 डिग्री पे टूटेगा। हाँ जी सर 45 डिग्री पे टूटेगा, मतलब जब सिग्मा एक्स लगाएंगे तो 45 डिग्री टूटेगा। हाँ जी सर। ओके तो ब्रिटल मटेरियल फेल कौन से स्ट्रेस से होता है? ब्रिटल मटेरियल सर डायरेक्ट स्ट्रेस से। तो सिग्मा एक्स लगाने पे डायरेक्ट स्ट्रेस 45 डिग्री पे आएगी? नहीं सर तो 90 डिग्री पे आएगी। तो अपना आंसर चेंज करना चाहोगे? ब्रिटल मटेरियल के लिए हम डायरेक्ट स्ट्रेस लगा रहे हैं है ना सर, तो हाँ ठीक है सर 90 डिग्री पे आएगी। और जब टॉर्क लगा रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए तो सर 45 डिग्री पे आनी चाहिए। ओके शुभम तैयारी नहीं किया क्या तुमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का? तो वो मैराथन वीडियो देख लिया सारा? हाँ सर वो देखी तो थी सर। नहीं यार फिर तो गलती कैसे कर रहे हो? हाँ सर, सर थोड़ा वो दिमाग सर पजल रहता बहुत। तो दिमाग को पजल मत रखो नहीं तो फिर एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करोगे? अभी क्या है लेट मी टेल यू, ये यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ब्लफ तो बिल्कुल मत करो। सारे मटेरियल के लिए यूज होता है इसलिए यूनिवर्सल नहीं बोलते, इस पे अलग अलग टेस्ट होते हैं इसलिए यूनिवर्सल बोलते हैं। दूसरा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील का ऑलमोस्ट सेम होता है, मॉडुलस वेलोसिटी भी सेम होता है, सेम ही होता है, रिवर्स डायरेक्शन बनाना होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस भी, स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट सेम होती है, बहुत डिफरेंस नहीं होता। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी उसमें कम होती है ऑब्वियसली टेंसाइल के कंपैरिजन में। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी सेम होता है लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ से थोड़ी कम होती है। माइल्ड स्टील जो है ना डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होती बहुत, जितनी टेंसाइल होती है। उसके बाद वही तुम उसमें भूल गए यार, जो आपको मैंने सिग्मा एक्स लगाया था, और फिर उसके बाद ये इसमें भी आपका गलत आंसर किया आपने, ये थ्योरीज ऑफ फेलियर के केस में जो आपका बनाया था। तो थोड़ा सोच के फिर आंसर करो सारे क्वेश्चंस का, वो अलग अलग जगह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कंफ्यूज करने की ट्राई करेगा वो, और आप थोड़ा आंसर करने से पहले चाहे सोच लो फिर आंसर करो। जैसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने कि ब्रिटल मटेरियल का शाफ्ट है, टॉर्क लगी हुई है, तो ब्रिटल मटेरियल हमेशा सिग्मा वन में टूटता है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में टूटता है। तो अगर टॉर्क लगा रखी है तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस 45 डिग्री पे होगा, तो 45 डिग्री पे वो टूटेगा, तुमने 90 डिग्री पे तोड़ दिया। जब मैंने सिग्मा एक्स लगाया था तुम्हें गलती पता लग गई, यार सिग्मा एक्स लगा दिया यार, अब तो 90 डिग्री पे 0 डिग्री पे टूटेगा ब्रिटल। अगर ये डक्टाइल होता, शाफ्ट डक्टाइल का होता, स्टील का बना होता, तो रिवर्स होता। तो अगर मैं लगाता टॉर्क तो ये टूटता 0 डिग्री पे, जो तुमने बताया था वो ठीक था आंसर। तो जो तुमने आंसर दिया बिल्कुल सही थे अगर मैं डक्टाइल मटेरियल दे देता। So this is how it is. True stress strain diagram भी गलत बना दिया आपने, right? वो भी आपका गलत था। फिर गेज लेंथ, वो भी आपका गलत आंसर, गेज लेंथ भी आपने बोला सर वो उसको बोलते हैं। तो एक्चुअली ट्रबल ये आ रहा कि एक तो गलत आंसर लग रहे हैं आप दे रहे हैं, लेकिन वो ब्लफ काउंट हो जाएगा ना वहां पे। या तो बोल दो मेरे को नहीं आता, गलत तो बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर पूरे इंटरव्यू में 2-3 बार गलत बोल दिया ना तो वो तुम्हें लेगा नहीं, फिर ब्लंडर होता है गलत बोलना। तो घबराने की जरूरत नहीं, कूल हो जा, इतना क्या नर्वस मत हो जाना, कूल हो जा, रिवाइज कर ले सब्जेक्ट्स को, फिर लगा स्नैप वगैरह। बहुत प्रैक्टिस, बिना तैयारी की प्रैक्टिस करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा ना आपको। एक बार पहले सुन लो वो स्नैप्स वगैरह जो आपके मैराथन पड़े हुए ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, थर्मोडायनेमिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो मैराथन पड़े हुए वीडियो, उनको एक बार गो थ्रू कर ले डिटेल में, उनमें काफी इन्फॉर्मेशन है। वो एक बेसिक बनेगा, उसका नेक्स्ट लेवल पे तुम कर सकते हो। डन शुभम? हाँ जी सर, ऐसे तैयारी करो।